हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल। और इस वीडियो में हमारे पास है ट्रिपल डेक ओवन गैस का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रिपल डेक ओवन वर्क करता है, क्या प्राइसिंग है, ये सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। इस सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं और स्पेसिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिपल डेक है, इसमें 3 डेक्स हैं और सभी डेक्स के लिए सेपरेटेड टॉप एंड बॉटम के कंट्रोलर हैं। और देख सकते हैं हर एक ईच डेक में आपके 2 16x24 की ट्रे आती है, सिंपली फर्स्ट वाले डेक में। और ये सेकेंड डेक है, मिड वाला डेक, इसमें भी देख सकते हैं आप 16x24 की 2 ट्रे आती हैं। और यहाँ पर जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है मैंने तीनों का 200 डिग्री पर सेट किया हुआ है, जो कि केक के स्पंचेस और बेकरी के मैक्सिमम फूड के लिए यूज़ किया जाता है। तो और जो थर्ड डेक है, थर्ड डेक में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 16x24 की 2 ट्रे हैं, तो इसे ट्रिपल डेक कहा जाता है, 6 ट्रे। और ये पूरा का पूरा गैस पावर सोर्स से ऑपरेटेड है। और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो 300 वॉट कंज्यूम करता है। और अब स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। सिंपली यहाँ से आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। और यहाँ से आप डबल डेक बेकरी ओवन भी देख सकते हैं, इसमें आप पिज्ज़ा, मफिन, कपकेक्स बेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपने पिज़्ज़ा इक्विपमेंट, यहाँ पर कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, प्लेंट्री मिक्सर्स की वीडियोस, फ्राइड आइसक्रीम मशीन्स की वीडियो और कितने टाइप से पिज़्ज़ा ओवन होता है वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और मेन जो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो सेक्शंस पर आके लाइव वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने हमसे मशीन परचेज किया तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर लाइव वीडियोस अपलोड हैं पटना, बिहार, लखनऊ, वाराणसी, सीमापुरी। और यहाँ पर जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए यहाँ पर वीडियो स्पेशल अपलोडेड है कि वो कैसे गैस पिज़्ज़ा ओवन की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं अगर समटाइम्स प्रॉब्लम्स आ रही है थर्मोस्टेट में E-SSS000। तो आप स्टार्ट करते हैं ट्रिपल डेक में कि आप किस तरीके से ट्रिपल डेक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी टू यूज़ फंक्शन है ट्रिपल डेक को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है एडवांस गैस ओवन, इसमें आप पिज़्ज़ा, मफिन, कपकेक्स, टार्ट्स, मफिन, केक, स्पंज, पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें रेगुलर इंचेस के पिज़्ज़ा बेक करेंगे 7 इंचेस के, तो आप 12 नीचे वाले डेक में 12, ऊपर वाले में भी 12 और टॉप वाले डेक में भी 12, तो आप ईजिली 36 पिज़्ज़ा एट अ टाइम बेक कर सकते हैं 6 मिनट्स के अंदर। तो आप देखिए जो इसका मैनुअल ऑपरेशन वो काफ़ी ईजी, आपको सिंपली बटन प्रेस करना है टॉप का, बर्नर के लिए टॉप का और बॉटम के लिए बॉटम का। और यहाँ पर लैम्प ऑप्शन है सेपरेटली, आपको सिंपली टेम्परेचर सेलेक्ट करना है हर एक डेक के लिए जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए अपनी रेसिपी को बेक करने के लिए, पिज़्ज़ा, मफिन या कपकेक। यहाँ पर हमने सिंपली 200 का टेम्परेचर सेलेक्ट किया है। सिंपल आपको थर्मोस्टेट की नोब को रोटेट करना है 0 से 200 पे। और ये किस तरीके से ऑटोमेटिकली वर्क करेगा ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंप ऑप्शन है ताकि आप इजीली देख सकते हैं कि अपने डोर को विदाउट ओपन किए। और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिलता है और आप देख सकते हैं ये जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आप इजीली देख सकते हैं अपनी रेसिपी को कि आपकी रेसिपी प्रॉपर बेक है या नहीं। डोर ओपनिंग करने से क्या होता है, आपकी जो गैस है वो हीटिंग है वो लॉस्ट होती है और आपकी गैस कंजम्पशन इंक्रीज होती है। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर हाई रेसिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है ताकि आप सिंपली देख सकें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगा है और सिंपली टॉप एंड बॉटम दोनों का ही हो चुका है। और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर 200 पे सेलेक्ट कर देता हूँ और नीचे वाले को भी 200 पे सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर टाइमर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं 99 मिनट्स तक आप टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो हीटिंग के फंक्शंस है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली 12 मिनट का टाइमर यूज़ कर रहा हूँ कि जो इसकी फास्ट हीटिंग है अप टू 200 आप सिंपली देख सकते हैं विद इन 12 मिनट्स 200 का टेम्परेचर क्रॉस कर देगा ओवन। और सिंपली अब जो बीच वाला डेक है उसको भी आप देखिए कितना ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील हैंडल है सारे ही डोर में। और यहाँ पर भी सेपरेटली टॉप एंड बॉटम के बर्नर के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर 0 से 400 डिग्री का, सिंपली बटन प्रेस करना है और टेम्परेचर की नोब को 200 पे सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो 300 पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने बीच नीचे वाले का भी सेट कर दिया है, मिड डेक और लैंप ऑप्शन यूज़ कर दिया है। और यहाँ भी मैं सिंपली टाइमर आपका सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर जैसे ही
टाइमर के बटन को ऑन करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर शो करता है, और सिंपली मैंने यहाँ पर 12 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं बर्नर स्टार्ट हो गया है हीटिंग, और यहाँ भी देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हाई रेसिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास ड्यूल यूज़ किया हुआ है इनर और आउटर में, ताकि जो आपकी हीटिंग है वो लॉस्ट ना हो। आप देख सकते हैं सिंपली आपका टॉप और मिड का डेक स्टार्ट हो चुका है और हीटिंग स्टार्ट कर दिया। अब सिंपली हम जो नीचे वाला डेक है अब उसको स्टार्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है। डोर्स को मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। सिंपली मैं टॉप का पहले बर्नर का थर्मोस्टेट को ऑन करूँगा और वहाँ पर सिंपली 200 का टेम्परेचर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं बॉटम का प्रेस करूँगा और सिंपली थर्मोस्टेट से 200 टेम्परेचर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद लैंप ऑप्शंस ऑन करूँगा और उसके बाद टाइमर का ऑप्शंस ऑन करूँगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सिंपली मैं यहाँ पर भी 12 मिनट का टाइमर सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद मैं बताऊँगा, अगर आप सिंगल डेक डबल डेक बेकरी ओवन की भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऊपर आपके पास लिंक मेंशन है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं डबल डेक ओवन किस तरीके से ऑपरेट होता है, क्या फीचर्स और प्राइसिंग है, वो भी मेंशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बर्नर की फ्लेम है वो प्रॉपर आ रही है, और सिंपली मैं यहाँ पर डोर को क्लोज कर दिया है और यहाँ पर तीनों ही डेक का जो टेम्परेचर है वो मैंने सेट कर दिया है। और आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो टॉप डेक है वहाँ पर 100 डिग्री क्रॉस कर दिया है टॉप में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील्स हैं, ईजली आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं बेकरी ओवन को, और इसे पिज्ज़ा ओवन डेक ओवन के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट्स रिमेनिंग है और यहाँ पर एग्जॉस्ट का ऑप्शन है आपके लिए, तीनों ही डेकों के लिए सेपरेटेड यूज़ किया गया है एग्जॉस्ट का ऑप्शन। और जब फर्स्ट टाइम जब ओवन कोई भी इंस्टॉल होता है या ओवन की चेकिंग होती है तो उस पर मॉइस्चर आता है। अगर फर्स्ट टाइम आप अगर यूज़ कर रहे हैं और आपके ओवन पे मॉइस्चर नहीं आता, इट मींस कि आपके ओवन की पहले से ही टेस्टिंग करके आपको भेजा गया है, और समटाइम्स अगर मॉइस्चर आता है तो आपके ओवन की टेस्टिंग नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, और ओवन स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं हल्का हल्का मॉइस्चर आ गया है, इस वजह से जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो प्रॉपर आपको इनर डेक में नहीं दिखाई दे रहा। तो सिंपली मैं आपको डोर ओपन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉइस्चर आ रखा है। और जो भी AK सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट्स से ओवन डिलीवर होते हैं उनकी टेस्टिंग कंपलसरी है, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कोई भी। और अगर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9717463679 पर, और विजिट कर सकते हैं www.akfoodequipments.com पर फॉर रिलेटिंग प्राइसिंग डिस्काउंट, सभी पॉसिबल है अगर आप कॉल करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनर मिड डेक है वहाँ पर 84, 88, और जो बॉटम का डेक है वहाँ पर 76, 74, और जो हमारा टाइमर है वो 10 मिनट्स का भी रिमेनिंग है, और ऊपर 9 मिनट्स, और सबसे टॉप में 8 मिनट्स। और आप देख सकते हैं मैक्स जो टेम्परेचर है आप 400 डिग्री तक सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप में, और सेम ही 400 डिग्री तक बॉटम में भी यूज़ कर सकते हैं, और सारे मिड डेक में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं सिंपली चेकआउट कर ले रहा हूँ कि सारे के सारे ओवन हैं वो 200 डिग्री पे हो, ताकि आप देख सके कि ट्रिपल डेक गैस ओवन किस तरीके से ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और सिंपली आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन कनेक्टेड है, क्योंकि जो इसकी हीटिंग सोर्स है वो LPG और इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ इसके थर्मोस्टेट ऑपरेट होते हैं, और इसमें आप बेकरी का स्टफ भी कर सकते हैं जिसकी ट्रे 16x24 की दो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो 167, 168, 165 का बॉटम का, और जो हमारा टाइमर है वो 6 मिनट्स का भी रिमेनिंग है। और इसके बाद जो इसकी डाइमेंशंस है, क्या हाइट है, क्या ब्रेथ है, और क्या मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से इसे ईजली इसकी लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ व्हील्स की हेल्प से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल नंबर है HGB60Q, पावर यहाँ पर 300 वॉट मैंने आपको पहले ही बताई है, वोल्टेज यहाँ पर 220 वोल्ट है, टेम्परेचर रेट 20 से 400 सेंटीग्रेड है, और फ्रीक्वेंसी 50Hz है, और जो ओवन का वेट है वो 299 kg है, इट मींस 300 kg, और जो डायमेंशंस है वो 1330, 890 और 1705 mm में है। और इसी को जब इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी 53.2 लेंथ है और 35.6 इसकी विड्थ है, और जो इसकी हाइट है वो 68.2 है।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जॉस्ट होल्डर है वहाँ से आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट के लिए जो स्पेस है वहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, क्योंकि जो पेंटेड एरिया है फर्स्ट टाइम जब आप डेक को यूज़ करेंगे ओवन का कोई सा भी, तो उसमें से हल्का सा आपका धुआं निकलता है पेंटेड एरिया की वजह से, और सिंपली ये 2 या 3 दिन बाद रिड्यूस हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 182 आ चुका है और बॉटम का 189 आ चुका है, और हमारा जो टाइमर है उसमें अभी भी 5 मिनट्स रिमेनिंग है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है गैस पिज्ज़ा ओवन, कि आपका जो टेम्परेचर आप जो सेलेक्ट करते हैं उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और ऑटोमेटिकली आपकी गैस की कंजम्पशन को भी सेव करेगा ये। और देख सकते हैं नीचे वाला 195, ऊपर वाला 185, और जो मैं आपको बताने वाला था कि जो इसकी फास्ट हीटिंग है 12 मिनट्स में अप टू 200 पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 197 पे आ गया है, और ये 197 पे आके ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। और यहाँ पर सिंपली मैं 200 पे सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। और जब भी एक बार ऑफ होने के बाद अगर आप टेम्परेचर में हल्का सा वेरिएशन करते हैं तो कम से कम 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं अभी ये ग्रीन है, ऑटोमेटिकली 208 या 209 पे जाके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली गैस की कंजम्पशन स्टार्ट होगी और बर्नर ऑन होंगे, और उसके बाद आपका हीटिंग सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया 204 पे, और जो टॉप का टेम्परेचर है वो 90 है। जब भी कोई भी डैक ओवन होगा, सिंगल डैक, डबल डैक या ट्रिपल डैक, उनके जो बॉटम का टेम्परेचर है वो ऑलवेज जल्दी इंक्रीज होगा और काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहेगा। टॉप का टेम्परेचर इंक्रीज होता है पर काफ़ी जल्दी डाउन होता है, क्योंकि डैक ओपन होने के बाद जो हीट है वो हीट लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपके पास सिंगल डैक ओवन भी लिंक में मेंशन है, आप वहाँ से सिंगल डैक ओवन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हैं। सिंपली आप देख सकते हैं जो बॉटम का है, बॉटम में 173, 174 टेम्परेचर है टॉप एंड बॉटम का, और 4 मिनट रिमेनिंग है और टॉप में 3 मिनट रिमेनिंग है। और आप देख सकते हैं कि जो टाइमर का फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करेगा। समटाइम्स अगर आप दूसरे ब्रांड्स के डैक ओवन को कंपेयर करेंगे तो उनके जो टाइमर्स होते हैं वो सिर्फ आपको बीप का अलार्म साउंड करेंगे, बट टॉप एंड बॉटम के जो बर्नर्स हैं उन्हें क्लोज नहीं करते वो। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डैक ओवन किस तरीके से वर्क करता है। अब मेन है कि आपने देख लिया अब ये 197 पे आ गया है, और 200 पे जाते ही ऑटोमेटिकली ग्रीन रेड में हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि डैक ओपन करने के बाद ये किस तरीके से ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये अब 199 पे आ गया टेम्परेचर और 200 पे, टू सेंटीग्रेड पे आके ओवन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है, और जैसे ही इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बर्नर है वो अभी क्लोज है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हीटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, और जो मैं आपको एग्जॉस्ट हुड के थ्रू बता रहा था जो धुआं निकलता है वो इसी रीजन की वजह से निकलता है। आप देख सकते हैं 197 पे आते ऑटोमेटिकली आपका बर्नर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जैसे ही डैक ओवन करेंगे जो ऊपर का टेम्परेचर है वो काफ़ी स्पीड से डिक्रीज होता है और आपका ओवन स्टार्ट हो जाता है, आपकी हीटिंग लॉस होती है। आप देख सकते हैं नीचे का 199 पे है और ये फिर ऑटोमेटिकली 207 पे जाके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइमर है वो 1 मिनट अभी भी उसमें रिमेनिंग है, और बॉटम वाला मिडल वाला भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला डैक है वो 200 टेम्परेचर पे पहुंच गया है, और नीचे वाला 178 पे, और 3 मिनट्स का टाइमर रिमेनिंग है। इसमें फैन की एडजस्टमेंट करने के बाद आप ओवन की जो स्पीड है हीटिंग का सोर्स वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 199 पे आ गया है, तीनों ही डैक के मैंने 200 पे सेलेक्ट किया था और बॉटम वाला ऑफ हो गया है। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले डैक का बॉटम था वो भी ऑफ हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल डैक के दोनों ही ऑफ हो गए हैं, टॉप टेम्परेचर कंट्रोलर और बॉटम टेम्परेचर कंट्रोलर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिडल डैक है वो बॉटम डैक, यहाँ पर नीचे वाला ऑफ हो गया, टॉप थर्मोस्टेट और बॉटम का भी ऑन है। आप सिंपली देख सकेंगे ओवन का डोर मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो लॉस्ट हो और बर्नर किस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बजर का साउंड देगा, और मैं यहाँ पर इसे 0 मिनट्स पे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि 0 मिनट का सेलेक्ट करने पे आपको 5 से 6 सेकेंड के लिए टाइमर मिलता है जो कि आपके ओवन को स्टार्ट करता है।
यहाँ पर देखिए आप फिर से वजर सायरन दे रहा है, मैंने फिर से बटन प्रेस किया और आप देख सकते हैं बर्नर स्टार्ट हो गए हैं। और मैं फिर से रन और स्टॉप का बटन प्रेस करूँगा ताकि ये बर्नर क्लोज कर दे कुछ सेकेंड्स बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने बजर साउंड दिया और टॉप का बर्नर आपको दिखाई रहा है, सिंपली ये ऑफ हो गया है। और इसके बाद सिंपली मैंने टाइमर के स्विच को ऑफ कर दिया है। अब बात करते हैं जो मिडल डेक है और इससे बॉटम डेक की, कि इसमें ये किस तरीके से फंक्शन करेगा और आप किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डेक में, मिडिल डेक में 1 मिनट का टाइमर है और जो बॉटम का डेक है सबसे लास्ट वाला उसमें 2 मिनट का टाइमर रह गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल वाला डेक ऑफ हो गया है, सिंपली मैंने यहाँ से इसका टाइमर ऑफ किया और ओवन ऑटोमेटिकली स्टार्ट है, आपको ग्रीन शो कर रहा है। और बॉटम का जो थर्मोस्टेट है वो नहीं हुआ क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और अब जो मेन डेक है नीचे वाला डेक, आप इसमें भी देख सकते हैं 1 मिनट का टाइमर है और जो टॉप का थर्मोस्टेट है वो ऑन है और आप देख सकते हैं बर्नर जल रहा है। ये डेक ओवन ओपन करने का रीज़न है कि जो आपका टेम्परेचर है वो आपका हीटिंग सोर्स ऑन रहे और आप टाइमर को एग्जैक्टली देख सकें कि एग्जैक्टली जो टाइमर है डिजिटल टाइमर किस तरीके से आपके टॉप एंड बॉटम के बर्नर को क्लोज कर देता है। और सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्नर की फ्लेम आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें 16x24 की 2 ट्रे आती हैं। अगर आप पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं तो इसमें 7 इंच के 12 पिज़्ज़ा आप इजिली बेक कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इस हिसाब से 3 डेक में आप 36 पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं एट अ टाइम, और अगर डबल डेक है तो आप 24 पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बजर ऑन हो गया है और आपका जो बर्नर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। यहाँ पर मैंने सिंपली डिजिटल टाइमर के बटन को ऑफ किया और आपका थर्मोस्टेट ऑन है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को। मैंने आपको डायमेंशन फीचर और जो इसकी प्राइस वो 1,35,000 से लेकर 1,55,000 के बीच में होगी। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 9717463679 पर, और आप हमें सर्च कर सकते हैं एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट्स के नाम से, और आप हमें मेल कर सकते हैं info@akfoodequipments.com और विजिट कर सकते हैं www.akfoodequipments.com पर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ और हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके हेल्प करेगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू बेकरी ओवन।